हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका प्रोग्रामिंग दोस्त जो आपको प्रोग्रामिंग सिखाने का पाइथन की रिगार्डिंग। हम आज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आपको पाइथन के रिलेटेड एक और वीडियो में बताने जा रहे हैं, हमारा पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन में हमारा एक नेक्स्ट फंक्शन है और एक नेक्स्ट वे से भी यूज़ करना आपको बताएंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको पॉप फंक्शन को यूज़ करना बताया था, बट वो जो फंक्शन था विदाउट पैरामीटर, यानी कि विदाउट आर्ग्यूमेंट को यूज़ करना बताया था। और आज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आपको पॉप फंक्शन को नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट के साथ यूज़ करना बताने जा रहे हैं। आर्ग्यूमेंट मीन्स पैरामीटर। पॉप फंक्शन का काम था कि एरे में जो लास्ट वाले इंडेक्स पे वैल्यू है उसको रिटर्न करवा के उसको वहाँ से रिमूव कर देता था। और अगर आप किसी एरे की पर्टिकुलर पोजिशन से उस वैल्यू को अगर रिमूव करना चाहते हैं तो आप पॉप फंक्शन को ही यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको एक एरे चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हमने एक एरे डिक्लेयर करा हुआ है, ए नाम का एरे है। उसकी जो वैल्यूज़ हैं 12, 34, 56, 78 एंड 90, तो उसके बाद हम अपना पॉप फंक्शन को यूज़ करते हैं। जैसे ए डॉट पी ओ पी यानी कि पॉप, और यहाँ पे जो आर्गुमेंट पास करना है वो होता है इंडेक्स के लिए कि आप कौन से इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव करवाना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पास कर दिया है 2। हमारे पास जो सेकंड इंडेक्स है वहाँ पे वैल्यू जो अवेलेबल है वो है 56, यानी कि हमारा जो एरे है उसमें से 56 वैल्यू को रिमूव कर दे, और उसके बाद जो हमारा एरे के पास बचेगा वो हम आपको प्रिंट करा के दिखाते हैं कि कैसे वो प्रिंट होता। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जो हमने इंडेक्स पास करा उसने उसी इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। और अब देखते हैं हमारे पास जो पेंडिंग वैल्यूज़ हैं वो क्या। हमारे पास जो 56 को रिमूव करने के बाद जो पेंडिंग बचा है वो है 12, 34, 78 और 90। और जैसे कि आप देख रहे हो हमारा जो पॉप फंक्शन है वो विद पैरामीटर है। और आप ऐसे ही हमारी मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि आपको हमारे डेली अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हो आपको सिर्फ पाइथन के रिलेटेड वीडियोज़ नहीं मिलेंगी, आपको HTML, CSS, Android और भी काफ़ी मज़ेदार प्रोग्रामिंग वीडियोज़ मिल सकती हैं। आप जो भी लाइन में जाना चाहो आप उस लाइन में जाकर हमारी वीडियो से अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे आपको HTML के लिए वीडियोस चाहिए तो आप हमारे HTML की प्लेलिस्ट को देख सकते हो। अगर आपने CSS करना तो आपको CSS की प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो आपको सभी तरह की प्रोग्रामिंग वीडियोस की इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल सकती है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको हमारा लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा।